हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मैसान स्टारडस्ट में। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के 70s और 80s के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुल्तान अहमद की एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर रिलीज होने वाली तमाम मूवीज़ के बारे में। व्यूअर, बात करें सुल्तान अहमद की, तो उन्होंने एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी फिल्मी करियर का आगाज़ किया था 1973 की मूवी प्यार का रिश्ता से। और उनकी करियर में रिलीज़ होने वाली मूवीज़ में शामिल हैं हीरा, दाता, गंगा की सौगन, धर्म कांटा और संजय दत्त स्टारर मूवी जय विक्रांता, जो कि 1995 में रिलीज़ हुई थी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुल्तान अहमद की एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर रिलीज़ होने वाली तमाम मूवीज़ की डिटेल आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की कोशिश भी आप व्यूअर्स को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल लर्निंग है। तो चलें फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो व्यूअर, सुल्तान अहमद की एज अ डायरेक्टर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू मूवी थी प्यार का रिश्ता। इस फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, मुमताज। और ये फिल्म 1973 को रिलीज हुई थी और ये एक ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.1 स्टार दिए गए थे। प्यार का रिश्ता मूवी का बजट था 40 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 45 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 86 लाख और बॉक्स ऑफिस पर ये एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। और व्यूअर, सुल्तान अहमद की एज अ डायरेक्टर दूसरी मूवी थी हीरा। इस फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे सुनील दत्त, आशा पारेख, शत्रुघ्न सिन्हा, फरीदा जलाल और अनवर हुसैन शामिल थे। और ये फिल्म भी 1973 को रिलीज़ हुई थी। और हीरा ये एक एक्शन फैमिली ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.3 स्टार दिए गए थे। हीरा मूवी का बजट था 40 लाख और इस फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए 1.75 करोड़। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 3.18 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर हीरा एक हिट फिल्म का स्टेटस हासिल कर पाई थी। और व्यूअर, सुल्तान अहमद की डायरेक्शन में बनने वाली तीसरी फिल्म थी गंगा की सौगन। फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे अमिताभ बच्चन, रेखा, बिंदु और अमजद खान। और ये फिल्म 10 फरवरी 1978 को रिलीज हुई थी। गंगा की सौगन ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.4 स्टार दिए गए। फिल्म का बजट था 1.45 करोड़ और इस फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए 2.30 करोड़। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 4.11 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर गंगा की सौगन ये एक अबव एवरेज मूवी का स्टेटस हासिल कर पाई थी। और फ्रेंड, सुल्तान अहमद की डायरेक्शन में बनने वाली चौथी मूवी है धर्म कांटा। इस फिल्म की लीड कास्ट में राजकुमार, राजेश खन्ना, जैतेंद्र, वहीदा रहमान, रीना रॉय, सलोचना पंडित और अमजद खान शामिल थे। और ये फिल्म 13 अगस्त 1982 को रिलीज हुई थी। धर्म कांटा ये एक एक्शन फैमिली ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.2 स्टार दिए गए। फिल्म का बजट था 1.80 करोड़ और इस फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए 3 करोड़। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 6.65 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर धर्म कांटा एक अबव एवरेज मूवी का स्टेटस हासिल कर पाई थी। और व्यूअर, सुल्तान अहमद की डायरेक्शन में बनने वाली पांचवी फिल्म थी दाता। इस फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे मिथुन चक्रवर्ती, शमी कपूर, पद्मनी कोल्हापुरी, सुरेश ओबराय, सुपरिया पाठक और अमरेश पुरी। और यह फिल्म रिलीज हुई थी 1989 को। दाता मूवी एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.5 स्टार दिए गए। फिल्म का बजट था 2.23 करोड़ और इस फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए 7.50 करोड़। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 10 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर दाता एक सुपर हिट फिल्म का स्टेटस हासिल कर पाई थी। और व्यूअर्स, सुल्तान अहमद की डायरेक्शन में बनने वाली छठी मूवी थी जय विक्रांता। फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे संजय दत्त, जेबा बख्तियार और अमरेश पुरी। और ये फिल्म 24 मार्च 1995 को रिलीज हुई थी। जय विक्रांता एक फुल एक्शन मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5 स्टार दिए गए। फिल्म का बजट था 3.50 करोड़ और इस फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए 4.81 करोड़। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 6.74 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर जय विक्रांता एक बिलो एवरेज मूवी का स्टेटस हासिल कर पाई। और यही एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुल्तान अहमद की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी भी साबित हुई है। और व्यूअर, सुल्तान अहमद की रिलीज होने वाली एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन 6 मूवीज़ का जायजा लें तो सुल्तान अहमद की इन 6 मूवीज़ में एक मूवी सुपरहिट, एक मूवी हिट, 2 मूवीज़ अबव एवरेज और एक बिलो एवरेज रही। और सुल्तान अहमद के कंप्लीट करियर में इन 6 मूवीज़ में सिर्फ एक मूवी ही फ्लॉप रह पाई थी। तो इस तरह सुल्तान अहमद के कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो बनता है एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर 83.33%।
तो फ्रेंड ये तो हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुल्तान अहमद की रिलीज़ होने वाली तमाम मूवीज़ की डिटेल आप व्यूवर्स को प्रोवाइड की। व्यूवर्स सुल्तान अहमद की डायरेक्शन में बनने वाली इन तमाम मूवीज़ में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज़ हैं कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज़ के नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। और सुल्तान अहमद के साथ आपके फेवरेट एक्टर की कितनी मूवीज़ आज की इस लिस्ट में मौजूद है कमेंट सेक्शन में उन मूवीज़ को भी मेंशन करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।